तो बेसिकली अभी हम लोग काल भैरव से लौट के आ रहे हैं। आज का दिन जो है वो है तारीख 28 मई, बज रहे हैं दिन की 1:45 और काल भैरव का मंदिर जो है वो हो गया है बंद। अभी हम लोगों ने पानी पी लिया है ये बॉटल का मिक्स करके, टेक्निकली हम लोग अभी एंजॉय कर रहे हैं। ये है मेरा दोस्त प्रफुल, वेलकम टू बैक टू द चैनल। और अभी हम जा रहे हैं, बस आज चिलिंग का डे है, चिल मार रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे इसके अलावा, सिर्फ और सिर्फ चिल बस। बाकी अभी जा रहे हैं सीधे, कहाँ जाएंगे भाई? काशी विश्वनाथ के मंदिर जा रहे हैं अभी यहाँ से, तो वहाँ जाके दर्शन वर्शन करेंगे। अब देखते हैं वहाँ का सीन क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इस चैनल के ऊपर। बाकी अपन ने कल बनारस मार लिया था काठमांडू से, कोई नहीं कर पाया आज तक, वो हमने करके दिखा दिया है काठमांडू से बनारस। अगर आपको रूट चाहिए तो रूट मैंने कल बता दिया था डिस्क्रिप्शन में, उसी को फॉलो कर लीजिएगा बजाय कन्फ्यूजन के। बाकी तो सब ठीक है, गर्मी थोड़ी ज़्यादा तेज़ पड़ रही है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो मिलते हूँ मैं आपसे काशी विश्वनाथ मंदिर पे। मुझे हंसी आ रही है मेरे दोस्त की बातों पर मैं अभी आ गया हूँ काशी विश्वनाथ के मंदिर पर। पीछे वो है गेट और ये है हमारी पार्किंग छोटी सी। तो अभी यहाँ पे हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद मोबाइल कैमरा अंदर अलाउड नहीं है। भाई हमारा गुस्सा हो रहा है तो जल्दी से यहाँ पे मोबाइल जमा करते हैं, बाहर दर्शन करके आते हैं अंदर से, फिर आके आपसे बात करेंगे बहुत सारी। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बनारस की तंग गलियों में अभी हमने लस्सी पी है, पीछे मेरे है द्वारकापुरी मिल्क भंडार, वहाँ पर मैंने लस्सी पी है। और अभी हम लोग आए हैं 90 साल पुरानी कचौड़ी वाले के यहाँ पे कचौड़ी खाने के लिए, क्योंकि मेरे जस्ट पीछे है और ये भी मंदिर से लगी हुई जगह है, वहाँ पर ही आपको मिल जाएगा खाने के लिए। तो अभी कचौड़ी खाते हैं, इसका टेस्ट लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। आज बनारस एक्सप्लोरेशन का डे है, बनारस में खाने पीने का दिन है, फुल टू एंजॉय कर रहे हैं, टाइम की कोई कमी नहीं है अपने पास, तो बस मज़े कर रहे हैं ज़िंदगी का है साथ अपने दोस्त के साथ। भैया कितने साल से बना रहे हैं कचौड़ी? 90 ईयर्स से। आप ही बना रहे हो? चौथी पीढ़ी है। ये चौथी पीढ़ी से ये यार मजेदार बन रही है, बहुत शानदार। कितना रेट भैया अपना? 25 रुपए प्लेट है। 25 रुपए प्लेट। और ब्लॉगिंग का चार्ज अलग से है क्या? आप दे सकते हैं। ओके बन गई हमारी कचौड़ी, ये डालिए भाई, ये देखो भाई ये है चटनी, ओहो ये जा रही है। भैया मेरी बना दो एक, मैं भी खाने के लिए आया हूँ, आपका भी प्रचार हो जाएगा। है सादा 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 है, मैं खिला दो हमको आधा। फाइनली हम लोग कौन सा घाट है प्रफुल्ल, मैं बोल नहीं पाता हूँ, बोल के दिखाएंगे। मणिकर्णिका घाट? नहीं मणिकर्णिका घाट नहीं, वो कौन सा दशावेद घाट? हाँ दशावेद घाट। तो वो दश वाला जो घाट है उस घाट से हम लोग अभी चल के उतना दूर से आए हैं और ये मंदिर है। ओ भाई ये ट्रैक्टर आ गया अभी आया था भाई बहुत गुस्से में। तो जस्ट मेरे पीछे अगर आप देखेंगे गौर से तो आपको मंदिर जो है अंदर वो सोने का छत्र दिख जाएगा और वहीं पर है पूरा मंदिर। इसके बाद आपको मोबाइल एंट्री नहीं अलाउड है, मोबाइल यहीं छोड़ के आना है। तो मैं सिर्फ एक फ़ोटो के लिए आया हूँ, फ़ोटो के लिए हम लोग चल के आया था दूर। भाई प्रफुल्ल ने बहुत साथ दिया है, पूरी हमने कचौड़ी लस्सी सब जो है पचा ली है, अब हम फ़ोटो खिंचवाएंगे और वापस जाएंगे। फिर अभी प्लान कुछ सोचा नहीं आ गया लेकिन बहुत मस्त लग रहा है अभी आके इतनी धूप में भी, हाँ अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा कूल कूल। कैसा लग रहा है मेरे भाई? ओके चलो ओके। तो वी आर जस्ट हैविंग सम गुड शिरी टाइम प्रफुल्ल भाई के साथ, अभी बैठे हुए 80 घाट पे और यहाँ पर सबसे पुराना कैफे जो है बनारस का अब वहाँ पर बैठे हुए, वो है पिज़्ज़ेरिया और ये 1992 का है आई थिंक, शायद अंग्रेज़ों के आने से पहले। 1992 मालूम है, मतलब अंग्रेज़ जब मैकडी और पिज़्ज़ा सब लेके आए थे ना उसके पहले का ये पिज़्ज़ेरिया है। एंड आई थिंक ही इज़ द ओनर, आप ओनर है सर? नहीं बड़े भैया। अच्छा इनके बड़े भैया ओनर हैं, तो बाकी मस्त है, अल्टीमेट जगह है। मतलब आपको देखना होगा अगर यहाँ से पूरा व्यू दिखता है पीछे, ये तो पेड़ है भी दिख नहीं रहा होगा लेकिन पूरा व्यू है बनारस के घाटों का। गंगा आरती एंजॉय किया, आपने भी एंजॉय किया और उसके बाद हम लोगों ने अभी कॉफ़ी और एप्पल पाई ऑर्डर किया। ओके ये है मेरे साथ, इस जगह के ओनर हैं ये। हेलो सर, ये कब से चल रहा है? 1992 से चला रहे हैं। 92 से चला रहे सर? सब तो सर मैगडी और पिज़्ज़ा भी उसके पहले से चला रहा है। तो आपको ये पिज़्ज़ा यहाँ पर बनाने का आइडिया कैसे आया? हमारे इटालियन दोस्तों ने हमें बताया। ओह इटली के दोस्तों ने बताया था, एक्चुअली इटली के दोस्तों ने बताया था इनको कि यहाँ पर पिज़्ज़ा बनाया जाए जो कि बहुत चलेगा। तो आई थिंक यू आर द फर्स्ट इन इंडिया आई थिंक।
ये इंडिया में फर्स्ट है, इटालियन स्टाइल का पहला पिज्जेरिया है। ओके ओके ओके। और आप क्या प्रॉपर बनारस से? हाँ, हम यहीं से प्रॉपर बनारस से हैं सर। सर आपका गुड नेम क्या हुआ? मैं गोपाल कृष्ण शुक्ला। गोपाल कृष्ण शुक्ला जी, तो जब भी आप आ रहे हैं बनारस, यहाँ पर आइए, एंजॉय करिए, चिल करिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी जगह है। आई वुड रिकमेंड, हाईली रिकमेंड, क्योंकि सबसे पुराना है यार, सबसे पुरानी जगह पर बैठ कर आप अगर इडली वाला पिज्जा खा रहे हो तो मतलब कुछ तो आप लजीज है। खई के पान बनारस वाला कैसा है कि अगर आप बनारस आए, बनारस में आके आपने अगर पान नहीं खाया तो फिर भैया ये गाना जो है कैसा मशहूर हुआ कि खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। और इसी के साथ हम इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड, क्योंकि बनारस हो गया है आज का दी एंड। और थैंक्स टू मेरे प्रफुल भाई, इन्होंने आज मेरी ऐतिहासिक नगरी में जो सैर कराई है, काफ़ी रोचक जानकारी दी है। ये हमारे आज के टूरिस्ट गाइड थे, और जब भी आप नेक्स्ट टाइम आ रहे हैं तो इनसे ज़रूर मिलिए, इनके घर पे रुकिए, ये बहुत अच्छी सेवा करते हैं। एनीवेज जैसा भी है, जो भी है, लेकिन बनारस जो है अब यहीं पर एंड करने वाले हैं। और बनारस के साथ ही इस ट्रिप का जो लास्ट पार्ट है वो कल मिल जाएगा आपको सुबह सुबह। हम स्टार्ट करेंगे अपना सफ़र अपने घर की तरफ, और अपने घर जैसा दुनिया में कोई घर नहीं होता, तो हम जा रहे हैं वापस नर्मदा मैया की नगरी में, गंगा मैया की नगरी से। और बस इतना ही है कहने के लिए आज के लिए, तो बस कल करते हैं गुड बाय, टाटा, शब खैर, शुभ रात्रि, और जय हिंद, जय भारत के साथ, जय बाबा विश्वनाथ।